दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो दोस्तों आज बात करेंगे नोडिमोक्स 250 डीटी टेबलेट के बारे में, और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कैसे इस्तेमाल करना है और किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं और प्राइस के बारे में सब जानेंगे सब कुछ। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं, जैसे इसके सॉल्ट नेम के बारे में बात करते हैं हम, तो इसमें एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन दो सॉल्ट होते हैं, दोनों ही एंटीबायोटिक होते हैं। और अपने जो एमोक्सिसिलिन है वो तो बहुत ही मशहूर सॉल्ट है दोस्तों, और काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सॉल्ट है। तो इसके साथ में क्लोक्सासिलिन लगा दिया जाता तो इसकी जो बैक्टीरिया पर मारक क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बात करते हैं एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो क्या काम करती है। एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम बैक्टीरिया को किल करना होता है, बैक्टीरिया को खत्म करना होता है। उपयोग के वगैरह दोस्तों बारे में बाद में करता हूँ दोस्तों। तो नजला, और मैं पहले बताना चाहूंगा जो इसका जो ये जो टेबलेट है ये बच्चों में इस्तेमाल की जाती है, इसका कैप्सूल भी आता है उस पर। तो कैप्सूल जो होता है वो बड़ों के लिए होता है, तो ये बच्चों में इस्तेमाल की जाती है 250 डीटी। तो इसलिए बच्चों में जो नजले की जो शिकायत रहती है, खांसी की शिकायत हो जाती है, और इसको एंटीकोल्ड के साथ में एंटीकोल्ड सिरप के साथ में लगाकर इसे इस्तेमाल कराते हैं डॉक्टर लोग। तो अगर एंटीकोल्ड के साथ में दिया जाता है दोस्तों, तो घाव का हो जाना, जैसे किसी भी तरह घाव हो गया है, जल जाना या चोट लग गई है, चोट की वजह से घाव हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है जैसे कि, और टॉन्सिल की कंडीशन हो जाती है बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, टॉन्सिल की कंडीशन अक्सर हो जाती है, या नमूनिया की शिकायत हो गई है, नमूनिया हो गया है, तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। और नमूनिया की कंडीशन में तो ये बहुत ज़्यादा एमोक्सिसिलिन जो है बहुत ज़्यादा चलने वाला सॉल्ट है वो है, तो इसके साथ में क्लोक्सासिलिन भी मिल जाता तो और भी ज़्यादा है इसकी कंडीशन, उस कंडीशन में बहुत अच्छा ये काम करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सर्दी वगैरह लग जाना बच्चों में, उसमें एंटीकोल्ड के साथ में दिया जाता है तो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों ये। और दांत का इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, या किसी भी तरह का कान का इन्फेक्शन हो जाता है, नमूनिया की जो शिकायत होती है उसमें, फोड़ा फुंसी की शिकायत इस तरह की हो जाती है, तो उसमें बहुत बढ़िया ये काम करता है। तो दोस्तों अगर मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं तो नोडिमोक्स 250 डीटी ये पहले काफी सस्ता था, तो जिस टाइम मैंने पहले इसे खरीदते थे तो बहुत कम प्राइस में मिल जाता था, तो लेकिन अभी तो इसका काफी प्राइस बढ़ गया है, और इसका जो कैप्सूल है उसका भी प्राइस काफी बढ़ गया। अभी फिलहाल ये 20 रुपए किस्ट मिल रही है, ये 12 से 13 रुपए में पहले मिल जाता था, लेकिन अब इसके रेट काफी ज्यादा हो गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत अच्छी दवाई है, इसलिए इसका रेट भी बढ़ गया है। और अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करो दोस्तों, तो बच्चों में वॉमिटिंग हो सकती है, नवासा और चक्कर वगैरह की शिकायत हो सकती है, तो इस तरह की दिक्कतें इससे हो सकती हैं। अपने डॉक्टर से सलाह लेके इस्तेमाल कराएं, और बगैर डॉक्टर की सलाह के आप इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो बस आज के लिए इतना ही काफी, आशा करता हूँ आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नई वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं इसी तरीके की और नई वीडियो में।